नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल AKB मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों आज हम बात करने वाले फिल्म नाटा सर्वभौमा के पूरे 4 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे हॉलीवुड की फिल्म एलिटा बैटल एंजल के भी 4 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लगा के अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें एलिटा द बैटल एंजल के बारे में, तो आपको बता दें दोस्तों ये एक हॉलीवुड की फिल्म है जो कि रिलीज हुई है इसी हफ्ते, और इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर पूरे हो चुके हैं 3 दिन। आपको बता दें दोस्तों ये फिल्म वर्ल्ड वाइड अगले हफ्ते यानी 14 फरवरी को रिलीज होने वाली है, लेकिन इस फिल्म को इंडिया में एक हफ्ते पहले रिलीज कर दिया गया है। अगर बात करें इस फिल्म के बजट के बारे में, तो फिल्म का बजट है लगभग 1400 करोड़ रुपये। वहीं अगर बात करें इस फिल्म के इंडियन राइट्स के बारे में, तो इस फिल्म के इंडियन थिएट्रिकल राइट्स बिके हैं लगभग 20 करोड़ रुपए में, जिसमें इस फिल्म को इंडिया में 3 लैंग्वेज में रिलीज किया गया है। पहली है हिंदी, वही दूसरी है तमिल एवं तेलुगु। और दोस्तों फिल्म को जो रिव्यूज़ मिले हैं वो काफ़ी पॉजिटिव है और फिल्म एक तरह से काफ़ी बढ़िया बनी है। लेकिन जिस तरह से फिल्म से उम्मीद थी कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया कारोबार करेगी, उस तरह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई भी चमत्कार नहीं कर पाई और फिल्म काफ़ी कम कलेक्शन करके अपना वीकेंड ख़त्म कर रही है। अगर बात करें दोस्तों इस फिल्म के अब तक के टोटल कलेक्शन यानी 3 दिन के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म ने अपने पहले 2 दिनों में यानी कि सैटरडे और फ्राइडे 2 दिनों में तमिल तेलुगु और हिंदी तीनों लैंग्वेज के कलेक्शन मिला के लगभग 9 करोड़ का कारोबार किया था। वही बात करें अगर इस फिल्म के तीसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो तीसरे दिन भी इस फिल्म को कोई खास रफ्तार बॉक्स ऑफिस पर मिली नहीं है। तो ये फिल्म अपने तीसरे दिन इंडिया में तीनों लैंग्वेज मिला के लगभग 4 करोड़ का कारोबार कर रही है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का जो इंडिया का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 3 दिन का, वो हो चुका है 13 करोड़। आपको बता दें दोस्तों इस फिल्म को अगर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिट होना है तो कम से कम 40 करोड़ का कारोबार करना होगा। अब देखते हैं ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कर पाती है और हिट होती या फ्लॉप। वैसे अगर आपने ये फिल्म देखी तो ये फिल्म आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वही दोस्तों बात करें फिल्म नाटा सर्वभौमा के बारे में, तो दोस्तों ये एक सैंडलवुड की फिल्म है जिसे सिर्फ अभी एक लैंग्वेज यानी कन्नाड़ा में रिलीज किया गया है। अगर दोस्तों बात करें इस फिल्म के स्टार कास्ट के बारे में, तो इस फिल्म में नज़र आ रहे हैं सैंडलवुड के सबसे बेस्ट डांसर यानी कि पावर स्टार पुनीत राजकुमार, जिन्हें लोग प्यार से अप्पू कहते हैं। दोस्तों फिल्म को जो रिव्यूज़ मिले हैं वो काफ़ी पॉजिटिव है और फिल्म फैमिली ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है, क्योंकि फिल्म में जो कॉमेडी है और थोड़ा बहुत हॉरर और थ्रिल भी है। फिल्म लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद इसी वजह से आ रही है। अगर दोस्तों बात करें इस फिल्म के बजट के बारे में, तो फिल्म का बजट लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। वहीं अगर बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी बढ़िया ओपनिंग ली और वीकडेज पर भी इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया कारोबार कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें अब तक के टोटल कलेक्शन की, तो फिल्म ने अपने शुरुआती 3 दिनों में लगभग 21 करोड़ का कारोबार किया था। वहीं बात करें चौथे दिन की, तो चौथे दिन भी इस फिल्म को बढ़िया ऑक्यूपेंसी मिल रही है और जो अभी तक की रिपोर्ट निकल के आ रही है उस हिसाब से ये फिल्म अपने चौथे दिन लगभग 7 करोड़ का कारोबार करने में कामयाब होती नज़र आ रही है। तो दोस्तों अगर ये फिल्म अपने चौथे दिन 7 करोड़ रुपए का कारोबार कर लेती है, तो फिल्म का जो 4 दिन का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो जाता है वो होगा लगभग 28 करोड़ रुपये। आपको बता दें दोस्तों फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए कम से कम 40 करोड़ रुपये का कारोबार करना होगा। अब फिल्म ने 28 करोड़ तो 4 दिन में कमा लिए हैं, अब देखते हैं ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कर पाती है, 40 करोड़, 50 करोड़ या 70 करोड़, वो तो आने वाला टाइम ही बता पाएगा। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है नाटा सर्वभौमा का फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या हो सकता है, 40 करोड़, 50 करोड़ या 100 करोड़? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ बॉलीवुड और साउथ की हर एक नई न्यूज़ के लिए मेरे और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।